नमस्कार, मैं उमेश। व्योम टीवी के इस पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। झारखंड की सबसे बड़ी राजनीति अभी गरमाई हुई और इसको ब्रेकिंग न्यूज़ तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बात हक और लड़ाई से कहां पहुंच गया यह कहना बड़ा मुश्किल है। हां, एक सब तो कहेंगे, रणनीति पर राजनीति भारी। जी हां, रणनीति पर राजनीति भारी। इसी पर विश्लेषणात्मक तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं संतोष दुबे जी, 1932 भाषा संघर्ष समिति के सारे स्टेप को बड़ा नज़दीक से ये देखते हैं। चलिए, पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक अभी मुझे लगता है 2-3 घंटे पहले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जरा महतो गिरफ्तार हुए। कैसे देखते हैं उनके इस गिरफ्तारी को? देखिए, ये जो गिरफ्तारी है ये सिर्फ जयराम महतो का गिरफ्तारी नहीं है सर, ये पूरा 1932-1932 के खतियान के आंदोलन को गिरफ्तार किया गया है। और हम नहीं चाहते हैं कि ये जो अभी वर्तमान सरकार जो कर रही है ये किसी भी हद में किसी भी तरीके से ये गलत, मतलब 100% गलत तो बोल ही सकते हैं सर इसको, ये बहुत गलत होने वाला है। ये मुझे लगता है एक ही दो वीडियो है जो हर चैनल पे चल रहा है। एडीएम साहब का करना है कहना है कि विधानसभा का बैरिकेडिंग को तोड़ कर ये लोग अंदर आने की कोशिश करें। कैसे देखते हैं इसकी सच्चाई को? देखिए, ये विधानसभा के बैरिकेड को लास्ट टाइम भी हमको याद है कि जयराम महतो जी छोड़ करके कभी ऐसा हमको नहीं लगता जयराम महतो जी जब तक नेतृत्व करेंगे तब तक कि वो किसी भी बैरिकेड को तोड़ करके अंदर जाएंगे। ये जो आरोप लगाया जा रहा हमको लग रहा है 100% गलत है। मुझे लगता है कि जब भी उनके आंदोलन को खासकर देखा जाता है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से और कहीं हिंसा का नाम नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में क्या हम मान सकते हैं कि सरकार बैकफुट की ओर है? देखिए सरकार, ये 60-40 तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। जयराम सरकार को हमने कभी भी बुरा भला नहीं कहा, लेकिन हमको अभी तक लग रहा है कि सरकार किस दबाव में आकर के ये सारी बातें कर रही है। शायद कांग्रेस का दबाव होगा कि जयराम अगर आप ऐसा 1932 लागू करेंगे तो कांग्रेस शायद अपना जो है समर्थन हटा दे, सरकार गिर जाए, इसके दबाव में। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे आंदोलन खासकर हम लोग झारखंड में पहले भी सुने हैं और देखे हैं, लेकिन ये आंदोलन खासकर युवाओं का है। ऐसे कंडीशन में ये गिरफ्तारी और युवा कल क्या होने वाला है? देखिए, जब तक जयराम जी को रिहा नहीं किया जाएगा पूरा झारखंड गिरफ्तार है आज के डेट में। यूँ कहें कि पूरा युवा कल समर्थन में उतरने फिर से दिखेगा क्या? झारखंड को अगर रिहा करना है तो जयराम जी को रिहा करना पड़ेगा आपको। ये आपने सही नहीं किया, आपने हो सकता है जयराम जी को नियम तोड़े होंगे, आपने उसके एवज में आपने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन आपको रिहा करना पड़ेगा, नहीं तो झारखंड का युवा अब नहीं रुकेगा। अभी स्टेटमेंट में उन्होंने रखा है कि 144 का हम लोग उल्लंघन किए या नहीं किए वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अचानक और अनायास इस तरीके से स्टंट ले लेना, पुलिस या व्यवस्था बर्बरता की बात हम कहें तो युवा क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है? देखिए, झारखंड का एक जो युवा वर्ग है जिनको जयराम महतो जी का समर्थन प्राप्त है वो युवा नहीं मानेंगे, हमको पूरा यकीन है। और हमको व्यक्तिगत तौर पे यही लगता है कि जयराम जी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मेरे हिसाब से सरकार को ये करना चाहिए कि उनको तत्काल प्रभाव से रिहा करना चाहिए। हालांकि मेरा व्यक्तिगत उनके साथ में बहुत मतभेद है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चाहूँगा कि उनको रिहा किया जाए और एक विचार विमर्श का रास्ता को अपनाया जाए, ना कि किसी को आप जेल में डाल दें। लगातार उनका खुद भी अभी जो बयान आया है, मुझे लगता है गिरफ्तारी के बाद की केस की संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। जहां भी वो जा रहे हैं वहां उन पर केस हुआ, थाना में केस हुआ, इधर भी केस हुआ, तो केस बढ़ाने का मतलब क्या है? किस तरीके से एक आंदोलनकारी को दबाने का बात है क्या? देखिए, आज जयराम महतो पूरे झारखंड में एक सिर्फ नाम और चेहरा नहीं है सर, वो पूरे झारखंड के एक वर्ग का, एक समाज का एक आवाज़ है। आप उसको दबा नहीं सकते हैं, आप उसको दबाइएगा समाज विद्रोह करेगा और आप उसको रोक नहीं पाइएगा। आज कहीं ना कहीं देखिए, मान के चलिए आपके पास समाज का एक युवा, एक समाज आपको समर्थन करता है, तो उसके बात को आप सुनिए, आप उसको जेल में डालेंगे ये कहीं भी इसका कोई मतलब ये सॉल्यूशन नहीं, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। आपको उनको चीज़ और मैंने देखा, खासकर गिरफ्तारी के बाद भी उनकी शालीनता बड़ा बनी हुई थी और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे लगता है संविधान के किसी भी एक वैसे शब्द का उन्होंने कहीं भी बात नहीं रखा जहाँ ऐसा लगे कि पुलिस उनके साथ गलत कर रही है, सही कर रही है। बस उनका कहना था जो करना है कर लो। जयराम तो टाइगर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि देखिए, जयराम जी को आप डाल करके अंदर डाल करके इसका कोई सलूशन नहीं करेगा। मेरा आप बाहरी भीतरी का लड़ाई जो भी है, लेकिन मेरा बाहरी का पूरा समर्थन है जयराम महतो को। आप उनको जेल से छोड़िए, बाकी हम लोग आपस दोनों भाई का लड़ाई है, हम लोग आपस में समझ लेंगे, लेकिन आप उनको जेल में डालिए। आज शहादत दिवस भी है एक तरफ भगत सिंह जी का, और अपने आप को वो हमेशा इस तरीके से रखते आए हैं कि मैं क्रांतिकारी हूँ।
इसी डेट को चुनने के पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, झारखंड में तो बहुत सारे, मतलब आप रघुनाथ महतो का नाम ले लीजिए या फिर आप बिरसा मुंडा जी का नाम ले लीजिए, आज अगर कोई तीसरा भगत सिंह कोई पैदा हुआ है झारखंड में तो दो तीन लोग हैं और उनमें से जयराम जी का नाम सामने आता है, और हम चाहते हैं कि वो झारखंड का नेतृत्व करें और सबको एक साथ लेकर के चलें और आगे बढ़े। हम लोग का पूरा समर्थन उनके साथ में रहेगा। क्या लग रहा है आगे क्या युवा किस दिशा की ओर जाने जा रहे हैं इस गिरफ्तारी के बाद? अगर हमको जहाँ तक लगता है कि अगर जयराम जी को रिहा नहीं किया जाएगा तो बहुत जल्द, हम आपको बता रहे हैं, हम उनके समर्थन में उतरेंगे। रांची का पूरा विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम करेंगे। चलिए, ये एक युवा की अंदर की विचारधारा था। सबसे पहले बात बताएंगे कि संतोष दुबे जी और उनमें दोनों 1932 की लड़ाई में एक दूसरे के समर्थन में कहीं नहीं हैं, लेकिन जब बात आती है कि किसी के बात को दबाने की, जब बात आती है कि कोई युवा अपनी बात को लोगों के बीच में एक जागरूकता अभियान के माध्यम से रख रहा है, वैसे में लगातार केस की संख्या बढ़ाना, मुझे लगता है ये सोचने का समय है। झारखंड को भी और झारखंड सरकार को भी थोड़ा सा सोचना होगा, युवाओं को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब अगली रणनीति ऐसा ना बने ताकि पुलिसिया कानूनी कार्रवाई, मुझे लगता है, अधिक ना बढ़ जाए। हाँ, एक बात तो और हम कहेंगे कि इस गिरफ्तारी को झारखंड किस नजरिए से देखता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस गिरफ्तारी को 81 विधानसभा के विधायक पूरी तरह से अंदर से एक राजनीतिक खेमे में हलचल मची हुई है, और मैं कल ही आपको बताऊंगा फिर कि अगला परिशिष्ट क्या होने जा रहा है। कुछ और अंतिम शब्द कहें? देखिए, हम तो यही कहेंगे झारखंड की जनता के साथ में, जो कि जयराम महतो है नहीं, उनके नेतृत्व के, उनके मतलब उनके अनुपस्थिति में एक ही बात कहेंगे कि आप लोग हौसला मत खोइए, हम लोग सब एक साथ लड़ेंगे और भगवान के दया से, ईश्वर की कृपा होगी, हम लोग साथ जीतेंगे और सबकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए, बहुत कम समय में दिख जाएगा, मुझे लगता है अगला 24 या 48 घंटा झारखंड की राजनीति में भूचाल आएगा कि बवाल आएगा। बस हम तो यही चाहेंगे विकास की राजनीति के साथ एक शांति वाली बात यहाँ भी दिखनी चाहिए। जय हिंद सिंह मां।